नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज द्विवेदी और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेटेकी में। तो ये है हमारी 53rd वीडियो, राइट। एंड लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था कि हॉरर स्टोरीज़ कैसे बनाते हैं, तो इसी सीरीज़ को आगे करते हुए सेकंड वीडियो है हमारी। एंड हॉरर निच सबसे पहले सेलेक्ट करने का रीज़न ये है कि काफ़ी लंबे टाइम से मैं हॉरर पे काम कर रहा हूँ, जैसा कि मैक्सिमम लोग जो मेरे साथ पुराने टाइम से जुड़े हुए उनको पता है। तो अगर किसी को हॉरर में कुछ काम करवाना है सेम क्वालिटी का, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हम प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला काम क्या होता है जब आपके पास कोई कहानी आती है, मैं क्या करता हूँ, देखिए एग्जैक्टली हर बंदे का अलग एक वर्कफ्लो होता है। मैं अपना वर्कफ्लो आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सेम फॉलो कर सकते हो, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप अपना कुछ अलग इसमें ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी, राइट। तो जैसे कि आप ये फोल्डर देख पा रहे हो, तो सबसे पहले तो मैं प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाता हूँ। जैसे कहानी का नाम है मेरा CCTV, राइट। तो CCTV नाम का मैंने एक फोल्डर बनाया। अब मैं क्या करता हूँ कि यूजुअली मेरे पास दो हार्ड ड्राइव्स हैं, एक है मेरी नॉर्मल हार्ड ड्राइव एंड एक है NVMe SSD। तो जब मैं प्रोजेक्ट कहा होता हूँ तो मैं इसको NVMe SSD में रखता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे रीड एंड राइट काफ़ी अच्छी स्पीड चाहिए होती है। एंड जब मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे शुरू होता हूँ, तो इस प्रोजेक्ट को कॉपी करके इस फोल्डर को अपने, जैसे कि हॉरर एक निच है और अलग अलग क्लाइंट्स के काम है तो उनके अलग अलग फोल्डर्स होंगे, तो वहाँ पर जा करके मैं रख देता हूँ, राइट। इससे क्या होता है कि मेरा डेटा मैनेजमेंट बहुत सही रहता है, और मान के चलिए कि आने वाली किसी कहानी में मुझे फिर से सीन पे चलते हैं इसकी ज़रूरत पड़गी, जो ये एक्सटीरियर का सीन है, तो मैं क्या करूँगा कि मुझे याद आया CCTV वाले में मैंने सेम सीन बनाया हुआ था, उसको ले आता हूँ मैं, तो मुझे ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी कि यार वो कहाँ गया, क्योंकि यहाँ पर मैं नंबरिंग्स रखता हूँ, यहाँ पर मैं कोई नेम तो नहीं देता हूँ। नंबरिंग्स इसलिए रखता हूँ कि जब मैं प्रोजेक्ट का आखिर में रेंडर कर रहा हूँ, अगर मान के चलिए मुझे कहीं लगता है कि यार यहाँ पर कुछ गड़बड़ रहेगी है, तो उसी नंबर के सीन को मैं जा करके चेंज कर लेता हूँ, राइट। तो ये एक तरीका होता है। अब हॉरर में सबसे पहला फोल्डर मैं बनाता हूँ ऑडियो का। ऑडियो में क्या करता हूँ कि जो भी ऑडियोज होती है, अब इसमें ऑडियो नहीं है तो मैं दूसरा प्रोजेक्ट एक दिखा देता हूँ आपको, खिचड़ी। तो देखिए सबसे पहला जो ऑडियो होता है वो हम रखते हैं अपने ऑडासिटी में। ऑडासिटी से ब्रेक करके, जैसे कि लास्ट ऑडियो बचा है, क्योंकि मैं इसे ब्रेक करके सेव करता रहता हूँ, तो ऑडासिटी से मैं ब्रेक करके फिर ऑडियो फोल्डर में रखूँगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से नंबर्स देता चला जाता हूँ, जिससे कि मुझे बहुत ईजी हो जाता है। पहले क्या था कि मैं डायलॉग्स अलग करता था एंड नरेटर वॉइस अलग करता था, फिर मैंने कोशिश करी है कि मैं सीक्वेंस में लेकर के चलूँ कि डायलॉग्स भी नंबरिंग के साथ ही शुरू कर देते हैं हम, राइट। दूसरे नंबर पे आता है करेक्टर्स। तो यहाँ पर कुछ करेक्टर्स बने हुए रखे हैं, ठीक है। तो अगर मैं उस टाइम पे किसी और प्रोजेक्ट पे भी काम करूँ तो उसके करेक्टर्स भी कई बार मैं सेव कर देता हूँ, तो मुझे याद रहता है कि ये करेक्टर जो ये प्रोजेक्ट्स में किस टाइम पे काम कर। तो हम दोबारा CCTV पे चलते हैं एंड अवतार पे आ जाते हैं। अवतार या करेक्टर आप कुछ भी नाम दे सकते हो। देन रेफरेंस के लिए मैं कुछ इमेजेस ले लेता हूँ, अगर मैं इंटरनेट से ले रहा हूँ या फिर मैं किसी स्टोरी के रेफरेंस से काम कर रहा हूँ तो वहाँ से कुछ इमेजेस ले लेता हूँ। जैसे कि इस वीडियो के रेफरेंस से हमने ये वीडियो बनाई थी, ठीक है, तो ये रेफरेंस में वीडियो रखी हुई है, अलेक्जेंडर करके कोई चैनल है, उसके रेफरेंस से हमने ये बनाई है कहानी, तो उसकी वीडियो रख ली। तो उसको बार बार देखना होता है कि ये सीन्स इसमें ऐसा है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, राइट। उसके बाद होता है सीन। सीन में मैं, जैसे कि मैंने कोई भी सीन किया तो रेंडर करने से पहले मैं सीन को सेव करता हूँ। रीज़न क्या है कि विद इन अ रेंडर में भी आपका आईक्लोन क्रैश हो जाए, आपके पावर सप्लाई इंटरप्ट हो जाए, ठीक है, या कुछ भी ऐसा इशू हो जाए जिससे कि आपका प्रोजेक्ट ख़राब हो सकता है। तो देखिए सेम के ही दो बना रखे होंगे, क्यों, क्योंकि मैं अगले वाले को, कि मान के चलिए कि मैंने ये वाला बनाया, ये वाला मेरा प्रोजेक्ट करप्ट हो गया, कोई बात नहीं, इससे पिछले वाले प्रोजेक्ट में कम मेहनत करने पर मैं रिजल्ट्स अचीव कर सकता हूँ। बट क्या है कि मैंने एक पे सारा कुछ कर दिया, देखिए 1, 3, 4, 5 सेम ही हैं बट अलग अलग सेव किए हुए हैं। रीजन है, हाँ बाद में अगर आपको डिस्क का स्पेस है तो आप हटा सकते हो, बट प्रोजेक्ट मत हटाया करो, क्योंकि एक बार आप, जैसे मान के चलिए मैं हॉरर निच पे काम कर रहा हूँ, तो अगर मैं लंबे समय से काम कर रहा हूँ तो मुझे 70% जो काम होता है वो मेरा पुराने प्रोजेक्ट से ही हो जाता है, एंड नए प्रोजेक्ट में मुझे 30% ही क्रिएट करने पड़ते हैं, राइट। तो ये हो, उसके बाद हम बनाते हैं सेट। इस कहानी में कौन कौन से सेट यूज़ होने वाले हैं, तो वो सेट एक ये रहा और एक ये रहा, दो सेट हमारे यूज़ होने वाले, तो हम वो सेट बना लेते हैं, पहले से सेव कर लेते हैं कि अगर मान के चलिए कि प्रोजेक्ट में भी कुछ इश्यूज़ आते हैं तो यहाँ पर रहें सेट। तो जो मेरा वर्कफ्लो होता है कि सबसे पहले करेक्टर
एंड सेट को मैं रख लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं ऑडियो ब्रेक करना शुरू करता हूँ। करेक्टर सेट रेफरेंस, ये कहानी बनने से पहले, अगर मैं काम करना शुरू कर रहा हूँ उससे पहले हो जाते हैं मेरे पास। देन ऑडियोसिटी से ऑडियो कट होकर के यहाँ जाती रहती है, सीन बन के यहाँ आते रहते हैं एंड वीडियोज़ बन के यहाँ आती रहती हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि लोग सोचते हैं कि यार मैं एक ही बार में सारा रेंडर कर लूँ। बिल्कुल मत करो भाई, जितना छोटा बनाओगे उतना ज़्यादा कर पाओगे, राइट। अब एक छोटा सा सीन है तो उसमें आप बार बार देख रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ कमी दिखाई देगी और आप उसको चेंज करने की कोशिश करोगे। बहुत बड़ा सीन, अब ये सीन है, ये सीन कितना बड़ा है, 4 सेकंड का है, ठीक, सिर्फ इतना सा सीन है। बट इसको जब आप इस तरह की कहानी बनाते हो ना तो आपको सीक्वेंस क्रिएट करना पड़ता है। तो वो सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए आप बहुत छोटे छोटे सीन बनाओगे। अब ये 3 मिनट की कहानी है आई थॉट, एंड 3 से 3.5 मिनट की कहानी में अगर मैंने 48 वीडियोस रेंडर करी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि आपको ये वाला सीन देख लेते हैं। राइट, सिर्फ 6 सेकंड का सीन। तो जितना छोटा छोटा सीन बनाओगे उतना बेहतर रहेगा। एक साथ करने की कोशिश करोगे हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिस्टम भी मेरे पास बहुत हैवी है कि हो जाएगा, इसमें इशू नहीं है। बट जितना छोटा बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा कर पाओगे, इस पर उतना ज़्यादा टाइम दे पाओगे, राइट। एंड रेंडरिंग एंड आपके मशीन पर भी लोड कम पड़ेगा। तो आगे चलते हैं, एंड यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक एक सीन आपको दिखाता हूँ कि क्या थॉट प्रोसेस रहता है। अभी क्या है कि मैं जो रेफरेंस वीडियो है वो आपको दिखा नहीं सकता हूँ यूट्यूब पे, अदरवाइज कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। तो पहला वीडियो प्ले करते हैं। अब यहाँ पे विदाउट साउंड बना रहा हूँ मैं, ठीक है, एंड साउंड का काम बाद में हुआ है इसमें। अगर आपके पास ऑडियो वाले प्रोजेक्ट्स हैं जो नैरेटर वॉइस पे काम कर रहे हैं तो आपको साउंड साथ के साथ लगाना है, जिससे पता चलेगा कि आपका वीडियो का लेंथ कितना बड़ा होगा। अब ये सीन आपने देखा, मैंने ये सीन यहाँ पर बनाया, ठीक है। बट यहीं पर अगर मैं बात करूं कि जब मैं शुरुआत करता हूं अपने फाइनल सीसीटीवी की, तो यही सीन है एंड साउंड के साथ देखिए एक क्रीपी एंड हॉरिफाइंग वाइब्स आ रही हैं आपको, ठीक है। अब ये सीसीटीवी एनिमेटेड हॉरर स्टोरी, अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, अरे यार सिंपल से जाओ फोटोशॉप पे, एक पीएनजी इमेज बना लो, ठीक है। सीसीटीवी वाला जो एरिया है इसको डिलीट कर दो, तो ये पीएनजी इमेज बन गई। इसको जाकर के आपने किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर रख दोगे तो बहुत इजीली आप ये वाला इफेक्ट अचीव कर पाओगे। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, तरीके से करने वाले काम है। देखिए 16 सेकंड का था, 16 सेकंड का हो गया। तो इस तरीके से होता है। मैंने दिमाग में पहले ही सोच रखा था कि ये मेरा इंट्रो सीन होगा, इंट्रो सीन होगा तो इसमें सीसीटीवी ऊपर लिख करके आएगा। अभी रेफरेंस इमेजेस में शायद से ये इमेज, ये देखिए इमेज पड़ी हुई है, ठीक। अभी क्या किया मैंने, जाकर के इनको 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 सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, तो ये पीएनजी इमेज बन गई। उसके बाद इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर दी, तो यहाँ भी हल्का फुल्का दिख रहा है बट यहाँ से पूरा का पूरा दिखाई देगा आपको। अब मेनली यहाँ से तो बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है बट ये वाला एरिया है, तो एक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने ये किया है। अब चलते हैं सीन पे, इसका सीन ये देखिए। ठीक, तो ये सीन है, यहाँ पर एक कैमरा लगा रखा है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी सीन है। यहाँ पर फॉग क्रिएट कर रखा है थोड़ा सा सीन को एक क्रीपी वाइब देने के लिए। अब विजुअल्स पे चलते हैं एंड चलते हैं यहाँ पर फॉग को कर देते हैं ऑफ। देखो बहुत नॉर्मल सा सीन बन गया। उसी के साथ साथ एम्बिएंट कलर्स हैं और बाकी चीज़ें हैं जो पीछे ब्लैक कर रखी है हमने, तो नाइट के लाइट्स दे रखे हैं इसको हमने लाइट इफेक्ट्स पे। अगर इसी सीन को हम कंटेंट में चलते हैं एंड एटमॉस्फेयर में चल के ब्राइट कर देते हैं तो ब्राइट हो गया। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो ये टेक्सचर है, सीन में चलते हैं एंड ट्रियन में चलते हैं, मॉडिफाई में चलते हैं, स्काई, ये जो स्काई है यहाँ पर देखिए ब्लैक कलर दे रखा है मैंने जानबूझ के। अगर मैं ब्लैक की जगह व्हाइट दे दूंगा तो स्काई आपका बिल्कुल सुबह वाला फील आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि यार बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ है, छोटे छोटे काम कर सकते हैं यहाँ से। सिंपल से अगर यार नाइट का सीन बनाना है अब उसको मैं जाकर के फोटोशॉप पे क्यों चेंज करूँ, ठीक।
अब जितना मुझे चाहिए, जितना डार्क चाहिए, बिल्कुल डार्क, कम डार्क, ठीक है, तो ये कर सकते हो। तो इसी तरीके से हम इस सीरीज़ को आगे लेकर के चलेंगे और एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे, जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो बताते रहेंगे, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, ठीक है। तो पहला सीन हमने देख लिया, ऐसे मैं एक एक सीन करके आपको एक्सप्लेन करूँगा पूरे आने वाली वीडियोज़ में, एंड आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए फोल्डर पर चलते हैं, सेकेंड सीन क्या है, राइट। तो ये सेकंड सीन है हमारा। तो सेकंड सीन में आप देख रहे हैं कि कुत्ता भौंक रहा है, एंड जब मैं वीडियो पे चलता हूँ तो शायद से इसका मैंने सेकंड सीन वाला वीडियो प्रोजेक्ट सेव नहीं किया होगा। वीडियो पे चलते हैं, ये देखिए एक ये सीन है जहाँ पर, तो जो फर्स्ट वाले में ही मैंने इसको कर दिया है कि कुत्ते को दौड़ते हुए बना दिया, राइट। अब यहाँ पर आपका कुत्ता दौड़ रहा है, देन हम क्या करते हैं, कुत्ते को भौंकते हुए एक अलग बनाया है। अब क्या करते हैं लोग, यार कोशिश करेंगे सारा एक ही में कर लो, क्यों करना है यार। आप सीक्वेंस अपने दिमाग में रखो ना, और जब काम कर रहे हो तो अपना एडिटिंग सॉफ्टवेयर खुला रखो, छोटी छोटी क्लिप्स हैं इनको इंपोर्ट करके ऐड करके देखते रहो कि क्या पिछले सीक्वेंस से अगला सीक्वेंस मैच कर रहा है, अगर कर रहा है तो फिर आगे कंटिन्यू कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोबारा से आ जाते हैं, तो ये कुत्ते वाले सीन में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है जिनके पास ये डॉग है उनको पता है कि ऑलरेडी मोशंस इसके अंदर इनबिल्ट हैं, जो कि एक्शन एडिटर्स में होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आप इनको एक्शन करवा सकते हो। ये अगला सीन देखते हैं, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, एंड अच्छा ये वीडियो है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो हमने प्ले करी जो कि 5 सेकंड की है, कुछ भी चेंजेस नहीं किए, सिर्फ कैमरा मूवमेंट्स हैं। अब इसको देख लेते हैं हम एक बार। सबसे पहले आपको अपने दिमाग में सारी चीज़ें बना लेनी है, सीन, ये वाला सीन, ठीक। तो फीमेल को सुला दिया है, एंड उसके बाद यहाँ से खिड़की के बाहर से कैमरा लिया, क्योंकि कुत्ता भौंक रहा था तो अब बाहर से डायरेक्ट तो अंदर जंप नहीं कर सकते ना, तो एक सीक्वेंस क्रिएट करने की कोशिश करिए कि कुत्ता भौंक रहा है किसी अनजानी चीज़ को देख करके, और अब देखिए कि खिड़की के बाहर से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी लीड है वो बिस्तर पर सो रही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना, बहुत छोटा सा सीन क्रिएट किया है मैंने आपको 300 फ्रेम का, एंड इसको रेंडर कर लिया। जितना छोटा करोगे भाई सीन रेंडर, उतना ज़्यादा प्रिसाइज कर पाओगे, उतना ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर पाओगे, ठीक है। फिर चलते हैं एंड सीसीटीवी में वीडियो पे चलते हैं, चौथा वीडियो हो गया, पांचवा वीडियो देखते हैं। अब देखिए हमारा कैमरा बाहर से अंदर की तरफ आ गया, सेम पोज है, सिर्फ कैमरा चेंज है। और कैमरा चेंज करते वक्त आपने एक चीज़ देखा कि मैं मेन स्टोरी एक बार प्ले कर लेता हूँ, तो फिर बार बार ये नहीं आना पड़ेगा और हम सीन पे ही रहेंगे, एंड इसको प्ले करते हैं हम, क्योंकि ऑडियो के साथ ज़्यादा समझ में आता है। थोड़ा सा ऑडियो को और कम कर लेते हैं एंड सीन पे चलते हैं। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं, देखिए यहाँ कुत्ता भौंका, अब कुत्ते भौंकने के बाद यहाँ तक आ रही है आपको, ठीक है। और ये बाहर से सीन है, ये कैमरा में अंदर गया, यहाँ पर आपने देखा मोबाइल का आवाज़ से आपको पता चला कि यहाँ मोबाइल ग्लो कर रहा है, अदरवाइज आपको पता भी नहीं चलता, ये देखिए, ठीक। एंड मोबाइल ग्लो करते ही क्या होगा, ये देखिए इसने आंखें खोली हैं, बहुत ज्यादा मोशंस नहीं किए, जो बहुत ज्यादा हिलाते डुलाते हो ना करेक्टर्स को, वहां पर जाकर के दिक्कत क्रिएट होती है। बहुत ज्यादा मोशंस क्रिएट नहीं करते हम, सिंपल सी बात है, जितना जरूरी है, लेस इज मोर, जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही बनाओ, जरूरी नहीं है कि पूरी बॉडी को हिला रखा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई बंदा जब सो के उठ के उठता है तो कैसे होता है, हल्की सी उसकी आंखें खुलेंगी, यहां से देखिए, राइट। अब क्या होगा,
मोबाइल रिंग किया है तो बंदे का या फिर बंदी का जो भी करेक्टर है हमारा, उसका हाथ मोबाइल पे जाएगा ना, तो उसको हमने शो किया। देखिए बहुत मुश्किल काम नहीं है ये, यहाँ पर करके दिखाते हैं आपको सिंपल क्या किया गया है। सीन पे चलते हैं एंड यहाँ से देखिए बाहर कैमरे के तीन सीन ले रखे हैं, एक ऊपर से सीन ले रखा है एंड सेवंथ सीन ये है उठने वाला। ठीक एंड सिंपल से मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ आपको। कैमरा जो वर्क करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ क्रिएट कैमरा ऑर्बिटल एंड इस फ्रेम पे ले लूँ जिससे कि मुझे स्पेस ज़्यादा मिल जाए। सीन पे चलते हैं एंड अपनी गर्ल को कर लेते हैं सेलेक्ट। ये ब्लर देखिए ये आ रखा है कैमरा। टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। और होम पे चलते हैं, फीमेल हमारी सिलेक्टेड है। यहाँ देखिए कैमरे में ब्लर ऑन कर रखा है, जैसे आपको मैंने ब्लर के बारे में बताया था ना। अब यहाँ पर क्या किया, कुछ भी नहीं है, सिंपल से देखिए। अरे यार कैमरे के मोशन हटाने पड़ेंगे, कैमरा ज़ीरो रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है, करेक्टर को आपने सेलेक्ट करना है, मॉडिफाई में जाना है, एडिट मोशन लेयर में जाना है, ये वाला काम करना है आपको। रोटेट किया ना आपने, यहाँ से इतना रोटेट कर दिया, उसके बाद ग्रैब कर लिया, राइट। तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, सिंपल से काम है। बस सोचना है कि ये चीज़ मैं आई क्लोन में कैसे अचीव कर सकता हूँ, ठीक है। तो हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हो, राइट। तो हम कोशिश करेंगे कि 40-40 सेकंड के छोटे छोटे सीन्स बना करके दिखाएं और उसके बाद एक्सप्लेन करते रहें उनको, कि वीडियोस भी ज़्यादा लंबी ना हो एंड आप लोगों को सीखने को भी भरपूर मिले, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आज की वीडियो में अगर कहीं भी कोई भी इशू होता है आपको, जो 4-5 मैंने आपको सीन दिखाए हैं, करीब करीब हमने आज कवर किया है 50 सेकंड कवर कर लिया है, 5 मिनट की कहानी है। तो 5 दिन में क्लियर हो जाएगी, 5 से 6 दिन में। अगर आपको कोई क्वेश्चन यहाँ तक आ रहा है सर सीन कैसे बनाना है, अब देखो सीन वगैरह बनाना मैंने ऑलरेडी बता रखा है इस क्लासेस में, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं, अभी यहाँ पर माइंडसेट की बात कर रहे हैं हम, वर्क फ्लो की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास डेटा है, जैसे कि ये सारी चीज़ें मेरे पास डेटा पैक में ऑलरेडी हैं, तो मेरे लिए बहुत इजी है। अगर आपके पास डेटा ही नहीं है, अगर आपके पास प्रॉप्स नहीं है, सेट्स नहीं है, तो फिर आपको सारी चीज़ें कैसे क्रिएट करनी पड़ेंगी एंड उनमें टाइम लगेगा। तो डेटा पैक के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास डेटा है तो बहुत ही ईजिली आप बना पाओगे सारी चीज़ें, ठीक है। मोशंस इनबिल्ट हैं सारे के सारे, थोड़े बहुत आपको खुद करने हैं या फिर आपके पास ऑलरेडी मोशंस मिल जाते हैं तो आप परचेस कर सकते हो आईक्लोन से, ठीक है। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद जय भारत।